राजीव, ये मधुलिका और उसका वकील तुम्हें बहुत चाहते रहे। क्या हुआ? मेरे पापा का फल मिल रहा है मुझे और कुछ नहीं है। फिर से कभी ये सब बातें मत करना। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारा साथ दे रही हूँ, और तुमने कोई पाप नहीं किया। यही तो परी, तुम हमेशा मेरे साथ खड़ी रही हो। मेरी जिंदगी में चाहे कितनी बड़ी मुसीबत आई हो, लेकिन तुम मेरे साथ थी। लेकिन जब तुम्हें जरूरत थी, मैं तुम्हारे साथ नहीं था। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि तुम इतनी अच्छी हो, मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता हूँ। अच्छा, मुझे ना बहुत भूख लग रही है, चलो खाना खाते। मुझे भूख नहीं है। शो की कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि किस तरीके से जो यहाँ पर राजीव है उस पर मधुलिका के साथ गलत हरकत करने का आरोप लगा है, जिस वजह से उसे जेल में डाला गया है। अब यहाँ पर जो परी है उसे राजीव भरोसा दिलाने की कोशिश तो करता है, लेकिन परी को ऑलरेडी अपने पति पर भरोसा है और इसलिए वो हर वो कोशिश कर रही है कि राजीव को जेल से बाहर निकाल कर लिया। राजीव इधर देखो, प्लीज थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा। कहा ना परी, नहीं मेरे लिए प्लीज। जितना रोमांस करना है कर लो संजू, केस के बाद तो तुमसे जेल में चक्की पिसवाऊंगी। ये कोर्ट का टाइम वेस्ट करने जैसा है। अगर कोई गवाह है तो प्लीज प्रेजेंट करें, वरना मैं जजमेंट लिख रही हूँ। मधुलिका की हरकतें एक दो बार परी देख चुकी है। मधुलिका को फोन पर बात करते हुए परी देख चुकी है। अब मधुलिका कहती है कि चलो मुझे अंदर जाके रोना धोना बेचारी बनना है, और वहीं पीछे जो है परी खड़ी होती है। अब परी मधुलिका को रोक लेती है, लेकिन तभी जो है मधुलिका का पति आ जाता है। परी कहती है देखो, प्यार करना साथ देना अच्छी बात है, लेकिन जब तुम्हें अपनी पत्नी की सच्चाई का पता लगेगा ना, तब तुम्हारे पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी। अब यहाँ पर जो है मधुलिका का पति परी पर चिल्लाता है, लेकिन परी उससे भी ज्यादा तेज चिल्लाती है और कहती है मेरे सामने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। कोर्ट में दलीलें पेश की जाती हैं और यहाँ पर गवाह जो है पेश किया जाएगा राजीव के पक्ष में। अगर राजीव के पक्ष में चीजें आती हैं तो शायद कुछ सोचा जाए, लेकिन अभी तक जो है मधुलिका का केस स्ट्रॉन्ग चल रहा है, तो ऐसे में आखिरकार क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।